किसी सज्जन का प्रश्न है कि मन में स्मृतियां बहुत आती हैं, स्मरण देखे सुने भोगे का बहुत आता है, सपने अव्यवस्थित होते हैं, जीवन में कमाई जो असली है वह मन की पवित्रता की है, और वह कमाई लोग नहीं करते हैं, जोश में रहते हैं, जीवन में कमाई करते हैं दुनिया की। दुनिया की कमाई करना चाहिए, लेकिन उसी में अपने को झोंक देना अनर्थ करना है। खाना चाहिए, लेकिन गला तक ठूस करके खाएंगे तो तकलीफ के सिवा और क्या होगा। संतुलित खाना चाहिए, हर जगह संतुलन की जरूरत है। आवाज थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए। काम धंधा करना चाहिए, जिसका जो व्यवसाय है चेष्टा से करना चाहिए, लेकिन दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए, किसके लिए सब करते हैं। एक घर में आग लगी, पांच भाई थे, कई का विवाह नहीं हुआ था, दो का हुआ था, लेकिन एक ही को बच्चा था, नवजात शिशु। संपदा काफी थी, घर में आग लगी, लोग घर के सामान को काफी निकाले, लेकिन जो बच्चा की माँ थी वो घर के बाहर थी। देहातों में लोग, अब तो शौचालय बनने लगा है घर में, देहात में लोग गांव से बाहर शौच जाते खेत में। वो खेत में गई थी, रात का टाइम था, आग लगी, सामान निकाला गया, बहुत सारा सामान, धन संपत्ति, रुपए पैसे निकाल लिए गए, बच्चा का किसी को ख्याल नहीं था। माँ आई जब तक तो देखती है झांकी से कि बच्चा ऐंठ ऐंठ के चल रहा है। संपत्ति निकाली गई, संपत्ति के मालिक को नहीं निकाला गया। यही बात सब जगह हो रही है, संपत्ति पर ध्यान दिया जा रहा है, संपत्ति के मालिक पर ध्यान नहीं है। कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, संसार के वैभव को इकट्ठा करने की चेष्टा है, पहले जमाने में भी थी, आज उसका उत्कर्ष रूप है। ये कार्य इतनी कहाँ थी, पहले तो कार थी ही नहीं, तो 100 वर्ष के अंदर कुल ज्यादा है, सब कुछ बढ़ा है। महात्मा गांधी इंग्लैंड जाते थे, जल जहाज से जाते थे, हवाई जहाज इस ढंग से कहाँ रहा। तो आजकल वैज्ञानिक साधन इतना बढ़ा है कि ऐश्वर्य की चमक तमक खूब बढ़ गई है, और उसी को देख करके होड़ है, जितना बन सके बटोरने की चेष्टा है, जो संभव ना हो उसकी कल्पना में डूबे रहना, यही सब लोग करते हैं। उबड़ खाबड़ कूड़ा कचड़ा यही दिमाग में भरा रहता है। जिंदगी भर की कमाई कबाड़ की है, धन की नहीं है। असली धन राम धन है, पवित्रता धन है, उसकी कमाई ही नहीं है।
जब से होश में आए तब से कूड़े कबाड़ की कमाई कर रहे हैं, केवल कूड़े कबाड़ की। शरीर एक कबाड़ है और इस कबाड़ के लिए कुछ कबाड़ की जरूरत है। शरीर भी कबाड़ है और शरीर की सेवा के लिए जितनी चीज़ें वो सब कबाड़ हैं, तो कुछ कबाड़ की जरूरत है। लेकिन केवल कबाड़ खाना में हम पड़े रहते हैं, ये जिंदगी का धोखा है। धन कमाओ उसका उपयोग करो, लेकिन मन की पवित्रता पर ध्यान दो, आत्मा पर ध्यान दो, केवल देह पर नहीं। ज्ञानी आदमी भी देह को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करता है, टाइम से स्नान, भोजन, व्यायाम, जो शरीर की व्यवस्था होनी चाहिए वो भी करता है। जब तक शरीर है देखना पड़ेगा, लेकिन शरीर भजने योग्य नहीं है। शरीर का मोह, अनुराग, आसक्ति, ये सब हमें बंधन में बांधने वाली है। शरीर का उपयोग शरीर के ढंग से होना चाहिए, धन का उपयोग धन के ढंग से होना चाहिए। धन किस लिए है, शरीर किस लिए है, इसका हमें ख्याल नहीं। इस पर मैं कहा करता हूँ कि क्यों कमाते हैं, खाने के लिए क्यों खाते हैं, जीने के लिए क्यों जीते हैं, इसका पता नहीं। क्या जीवन है, कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, और जीते हैं सुख से रहने के लिए, और सुख से नहीं रहते हैं। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, सुख से नहीं रहते हैं। और कमाने, खाने और जीने में जो मन का कबाड़ इकट्ठा होता है वो रात दिन चालता है। अहंकार है देह का, इसलिए देह के भोगों के लिए चेष्टा है। जितना संभव हो देह के भोगों को भोग ले, इसी पर ख्याल है। पैसा चाहे जैसे मिले, जायज ना जाए चिंता नहीं करना, आना चाहिए। एक बुजुर्ग ने कहा कि मेरा लड़का कहता है कि पिताजी मैं व्यवसाय में लगूं, दो नंबर के धंधा बिना धन बढ़ता नहीं है, दो नंबर का काम करना पड़ेगा। तो महाराज उसको आप समझाइए। तो उसको मैंने बुलाया अपने पास, मैंने कहा भाई जब तुम पहले से कमर कसे हो दो नंबर का तो डूब जाओगे, एक नंबर का काम करो, ये विश्वास करो, ईमानदारी पर विश्वास करो, आगे चल करके जैसा समझौता करना पड़ेगा करना, लेकिन पहले ही से इस प्रकार दो नंबर का कमर कसोगे तो डूब जाओगे। कोई दाल में नमक खाता है तो चल जाता है, और नमक में दाल खाए तो मरेगा। काम करते करते कहीं व्यवस्था है, परेशानी है, और नहीं चाहते हुए भी ऐसी चीज़ आ जाती है जो नहीं चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं संसार में। लेकिन जो कमर कसे है कि नाजायज धन खूब कमाना है, उसको डूबना है। सावधानी रखो, जितना बन सके मेहनत की कमाई हो। अगर आदमी ईमानदारी से रहे तो भी जिए खाएगा, बेईमानी से रहे तो भी जिए खाएगा, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क होगा। जो गलत व्यवहार करता है वो भी जीता खाता है, जो अच्छा व्यवहार करता है वो भी जीता खाता है, लेकिन दोनों के अपने कर्तव्यों के परिणाम जो होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। सारी कमाई का असर मन पर होता है, इसलिए मन धन है, और मन को लोग धन नहीं मानते। व्यवहार में जन धन है, अध्यात्म में मन धन है, ये सूत्र है, जरा ध्यान दीजिएगा।
व्यवहार में जन धन है और अध्यात्म में मन धन है। व्यवहार प्राणी पदार्थों का बर्ताव, सुबह से शाम तक घर में, ऑफिस में, कारखाने में, दफ्तर में, सड़क पर, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, कहीं भी हम चलते रहते हैं, वहाँ पर मनुष्य मिलते हैं और उन मनुष्यों के साथ सुंदर बर्ताव करना ये सबसे बड़ी बात है। और जिनके बीच में हम रात दिन रहते हैं वहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। परिवार में जितने लोग हैं वह धन है, माता पिता पत्नी भाई बच्चे जितने भी हैं वह धन है। उनको धन मानोगे तो धन के लिए लड़ोगे नहीं, और धन को धन मानोगे, जन को धन नहीं मानोगे, जन नाम प्राणी, तो कला करोगे। कौरव पांडव ने धन को धन माना, जन को धन नहीं माना। दुर्योधन ने पांडवों को धन नहीं माना, तो पांडवों ने भी अंत में कहा कि फिर हम भी नहीं मानते हैं। न कमती रघुवर न कम कन्हैया, तलवार लेके खड़े हो गए और कट के मर गए। जो विजेता हुआ वो जलता रहा, युधिष्ठिर विजेता हुए लेकिन जलते रहे। महाभारत पढ़ के आप देख सकते हैं। महाभारत पढ़ने का अवसर न हो तो मेरी गीता सार पुस्तक है, उसकी भूमिका में जो थोड़ा सा मैंने दिया है, दो तीन पैराग्राफ, उसी से आप जान सकते हैं कि युधिष्ठिर कैसे जल रहे थे। विजयी सुखी नहीं रहता है, विजित पीड़ित होता है, और विजयी और पीड़ित होता है, क्योंकि वो जोश में तो क्रोध रहता है और क्रोध में मार काट ठीक लगता है, लेकिन क्रोध जब शांत हो जाता है, मार काट हो गई, तब पीछे मार काट करने वाले को जो संताप होता है वही जानता है। ये तो भयंकर काम है। हल्के रूप में घर में लड़ाई हुई, कला और कटु वचन का प्रहार हुआ, तो उस समय कटु कहने में आनंद आता है। कटु कह दे, इनकी बुराई बता दे, तब ठीक होगा। लेकिन वो कह लेने के बाद तब लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पीछे से पता लगता है। किसी भी कलह के बाद कलह करने वाला ही संतापित होता है। तो जन को धन नहीं माना कौरव पांडव ने, धन को धन माना, तो धन के लिए कट के मर गए, धन के लिए जन को उन्होंने तलवार के घाट उतारा। राम और भरत ने धन को धन नहीं माना, जन को धन माना। राम ने भरत को धन माना, भरत ने राम को धन माना। राम के लिए गद्दी की बात हो गई थी, जब राम सुने कि मुझे गद्दी नहीं दी जा रही, 14 वर्ष का वनवास, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है भाई, भरत को राज मिलेगा, अच्छा है। वे शोक नहीं किए और बन जाएंगे। भरत आए जो उनको राज मिल रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं स्वीकारा। उन्होंने बड़े भाई श्री राम के चरणों में उसको चढ़ा दिया। वे नहीं आए तो उन्होंने तप करते हुए, राज का भोग न करते हुए, तप करते हुए राज्य की सेवा की। उन्होंने जन को धन माना, दोनों ने, राम ने भरत ने। जन को धन माना इसलिए भाईचारे की कहानी रामायण बनी। कौरव पांडव ने धन को धन माना, जन को धन नहीं माना, तो युद्ध हुआ और भ्रातघाती युद्ध की कहानी बनी महाभारत पुस्तक। धन को धन न मानो, जन धन है। भाई खुश रहे, पिता खुश रहे, माता खुश रहे, पत्नी खुश रहे, पति खुश रहे, देवरान खुश रहे, जेठान खुश रहे, घर में जो लोग हैं वो खुश रहें, ये सफलता है।
कितना पैसा आपके पास हो गया है, कितना दूसरे की, ये कोई सफलता नहीं। खाते समय आप चुरा करके 3 लड्डू खा लिए और जठान को 2 ही लड्डू मिला, तो आपकी सफलता नहीं। जो आसपास में हैं वे प्रसन्न रहें, ये हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है। चीजें तो आती जाती रहती हैं, जन को धन मानो और अध्यात्म में मन को धन मानो। मन धन है, मन निर्मल है, प्रसन्न है, आनंदित है, महाधन है। और मन कबाड़ से भरा है तो पैसा और हीरे और मोती क्या करेंगे। जीवन भर लोग धन पर ही ध्यान रखते हैं, मन पर नहीं, मन को ठीक करने के नहीं। जोश रहता है जवानी में, ऊष्मा, गर्मी, कमाने में डट गए, चाहे जैसे हो धन कमाना है। एक नवयुवक ने तो इतना कहा मुझसे कि महाराज मेरे सामने पैसे पैसे ही तैरते हैं, पैसा कैसे आवे। तहसील में काम करता था, नवयुवक था, एकदम लगा था। और वो कहे महाराज पैसा कैसे आए, बस दिमाग में ही हमारे नाचता है। तो मैंने कहा तुम धोखे में पड़ गए हो, पैसा न चपो, काम भर का पैसा आ जाता है, थोड़े में गुजर करो। नहीं महाराज ये न कहिए, आशीर्वाद दीजिए, जहाँ तक हो पैसा पैसा, उन्मादी एकदम। मैंने कहा तुम धोखा में पड़ गए हो, धोखा खाओगे, मेरी बात मानो। वो हंसा और चल दिया। याद नहीं है कितने महीने के बाद मैंने सुना, तहसील में था वो, दो पक्षों मुकदमा था, तो अर्जी नवीस था शायद। तो एक पक्ष ने उसको पैसा दे करके मिसिल चुराने को कहा कि मिसिल हमें दे दो। तहसीलदार ने उस मुकदमे की मिसिल का पूरा फाइल चपरासी को दिया, धराओ। तो कमरे होते हैं उसमें पेटियां होती हैं, धर देते हैं। और वो जब सब छुट्टी हो गई तब वो गया और उसको चुरा करके ला करके एक पक्ष को दे दिया और उससे पैसा अच्छा मिला। संयोग था कि तहसीलदार ने सोचा कि वो फाइल साथ में ले लें, घर में ले जाए, पढ़ाएंगे, उस पर जजमेंट देना है। तो चपरासी से फिर कहा अमुक नंबर की फाइल ले आओ। वो गया, कहा हुजूर फाइल नहीं मिली। कहीं फाइल में अभी एक घंटा के पहले भेजा हूँ, कहाँ चली जाएगी। तो तहसीलदार के सामने से युवक गया था, रास्ता वही था, तहसीलदार जहाँ बैठते थे वो दिखाई देता था रास्ता। तो वो युवक, उनको मन में हुआ कि अभी वो गया था, वही गड़बड़ किया है क्या, तो बुलवाया उसको और बहुत प्रेम से कहा बेटा तुम बता दो, अगर तुम ले गए हो कुछ नहीं कहूँगा, ख़त्म। नहीं हुजूर मैं तो उसको छुआ नहीं हूँ, जानता नहीं। लेकिन उनको संदेह हो गया, तुरंत उन्होंने फोन किया थाने पर, थाना पास में था, तहसील जहाँ होता थाना होता ही। थानेदार झट से आ गए और उस शंका जिसके लिए थी उसको पकड़े और कहे बेटा बता दो। तहसील थानेदार ने बहुत समझदारी बात की, बेटा बता दो। नहीं हुजूर मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कहे ठीक है, तो कमरे में ले गया एक, उसने दवाई करनी शुरू की जैसे 4 डंडे पड़े, कहा हुजूर मैंने ही चुराया है। तो कहे चलो कहाँ, कह किन को दिए हो। तुरंत गाड़ी बैठाए और गए। संयोग से 2 किलोमीटर पर ही वो गांव है, वो सब मैं जानता हूँ, मेरा क्षेत्र है, उधर आना जाना खूब होता है। और वे लोग खाट पर मिसिल को खोल करके फाइल पढ़ रहे थे, बड़े खुश थे, बस रंगे हाथ पकड़ लिए गए, लाए गए तहसील पर, जुलूस निकला। उस नवयुवक का बाल एक तरफ मुड़ाया गया, एक तरफ रखा गया और स्याही चेहरे में लगाई गई और जूता गले में पहनाया गया और जुलूस चला। तो थानेदार कहे कहो
फाइल, तो कहे फाइल, तो जो चुरवाया था पक्ष तो कहे नहीं चुराऊंगा, ये जुलूस निकला, और कहे थुको सड़क पर तो थूक है, तो कहे चाटो, तो लेट करके उसको चाटना पड़े, नहीं डंडा पड़े। फिर एक मेहतर था, वो मेहतर भी मेहतर तो था, मेहतर तो सब है, अपनी अपनी टट्टी सख्त होते हैं, लेकिन वो अर्धविक्षिप्त तिरछे तिरछे चले टेढ़े टेढ़े और घृणित स्थित में रहे। तो उसको थानेदार ने बुला लिया, कहा थू, तो थूक है, तो फाइल चुराने वाले उसका है चाट, उसको चाटना पड़े, जो दुर्गत किया और पीटा, फिर जुलूस समाप्त हुआ और उनको ले जाकर के जेल में बंद किया। ये दुर्दशा, पाप करने का फल कहीं जाता नहीं। जब दिमाग में पैसा नाचेगा तो आदमी पाप करेगा, जब दिमाग में काम भोग नाचेगा तो मर्यादा विरुद्ध भी काम करेगा। ऐसे जिस दिशा में भोग की भावना बढ़ेगी उस दिशा में अनर्थ बढ़ेगा। कुल मिलाकर के आदमी जितना अपने मन को दुनिया में लगाता है उतना दुनियादारी संस्कार उसके चित्त में जमते हैं, और वही संस्कार फिर दिमाग में घूमते रहते हैं। जब जवानी खत्म होती है क्रिया घट जाती, काम घट जाता, रिटायरमेंट हो जाता है, नहीं कहीं नियुक्त है ऐसे सहज है तो भी क्रियाशीलता घट जाती है। तो आदमी जब क्रियाशील रहता है तो स्मरणों का प्रवाह आते हुए भी उतना दुखाता नहीं, और जब क्रियाहीन हो जाता है तो स्मरणों का प्रवाह और दुखाता है, काम कुछ नहीं कर सकता, बैठा है दिमाग में ही घूम रहा है। पहले तो जवान थे उल्टा सीधा खा लेते थे, पचा भी लेते थे, अब बूढ़े हो गए, जीभ नहीं मानती है, खा लेते हैं वैसे, तो परेशान होंगे। तो बुढ़ापा ऐसा है कि उस समय क्रिया घट जाती है और मन के संस्कार बढ़ जाते हैं, ये तकलीफ होती है। असली कमाई मन की पवित्रता है, मन को साफ करने का काम रोज करो। भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, निवास चाहिए, आपकी आमदनी से दसवां हिस्सा जिसका है वो भी गुजर करते हैं, गुजर सबका होता है, पशु पक्षी कोई आमदनी नहीं है और रोज खाते हैं, मस्त रहते हैं, जितने जीवधारी देहधारी हैं सब खाते पीते सोते जागते हैं, संतोष किए बिना कोई पाप से नहीं छूट सकता। असंतोष, असंतोष से पाप बढ़ता है, जो संवैधानिक ढंग से पाप नहीं किया जाता है अच्छा है, लेकिन अपने साथ पाप किया जाता है, पर स्त्री पर पुरुष पर कुदृष्टि नहीं है, लेकिन अपने में सड़ते हैं। अगर विवेक से देखा जाए तो केवल गर्भाधान के लिए नर नारी का संयोग है, जानवरों में प्रायः यही है, बानर इत्यादि कुछ जानवर हैं, कुत्ते भी कार्तिक में पागल होते हैं, बाकी समय नहीं। अधिकतम जानवर केवल गर्भाधान के लिए नर्मदा संयोग करते हैं, उसके बाद नहीं। गाय बैल साथ साथ चरेंगे, वो बिल्कुल निर्विकार रहेंगे। जब गर्भाधान की स्थिति में गाय होगी तब बैल उसका गर्भाधान करेगा, जानवरों में प्रायः यह है, आदमी सबसे गिरा है। नित विरुद्ध नहीं करता है, लोग विरुद्ध नहीं करता है, अपने में रात दिन पछताव मरता है, तो सारे संस्कार उसको आगे चल करके तकलीफ देने के सिवा क्या करेंगे। जीभ का चटोर है, वो संस्कार चित्त को खराब करेंगे, काम भावना, जीभ चटोरी, धन का लोभ, अहंकार, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, सदैव चालबाजी, गुटबंदी, दूसरे को गिराने की चेष्टा, ये सब जवानी में चलती है,
परिपक्व अवस्था में चलते हैं, ये सारे संस्कार मनुष्य के चित्त को विकृत करते हैं। जो कुछ हम कमाते हैं और जो व्यवहार करते हैं, ये सब की रिकॉर्डिंग चलती है मन में। मन धन है, असली धन मन है। बाहर का धन तो चाहे जितना हो जाए, क्या उपयोग है? अरबपति खरबपति दो दो कुंतल भात नहीं खाते हैं। जिसके पास कम है वो भी पेट भर खाता है। कम से कम आज के ज़माने में तो ऐसा नहीं है कि पेट भर भोजन न मिलता हो। हो सकता है किसी को न मिलता हो, लेकिन अधिकतम लोग खाते हैं। ज़्यादा तकलीफ है कि मन ठीक नहीं है। पैसा आजकल बढ़ रहा है और वैज्ञानिक साधन बढ़ रहा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन धर्म घट रहा है। आप कहेंगे धर्म भी बढ़ रहा है, खूब कीर्तन हो रहा है, अखंड पाठ हो रहा है, दैवी जागरण हो रहा है और बहुत बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं, ये तो सब ठीक है, हो रहा है। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा है सहनशीलता होना। सहनशीलता घट रही है, अधैर्य बढ़ रहा है, तनुक मिजाजी बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी बात में विग्रह कलह बढ़ रहा है। धर्म का अर्थ होता है जो धारण करे, जो संतुलन रख के, वो धर्म गुण है। जीवन में संतुलन होना जीवन में धर्म का होना है, बैलेंस रहना। कुछ दान पुण्य कर दिए वो धर्म का बाहरी अंग है। कुछ लोग मानते हैं दान कर दिए तो बड़े धार्मिक हैं। दान तो धर्म का बाहरी फूल है, रस तो भीतर है। रस है अंदर का, जो संतुलन है। दान कर दिए, सेवा कर दिए, ये धर्म के बाह्य अंग है, अच्छा है, करना चाहिए। धर्म है जो संतुलन रखे, वो धार्मिक है। अपने मन को संयत, इंद्रियों को संयत, वाणी को संयत रखे, वो धार्मिक है। असहनशीलता बढ़ रही है, थोड़े थोड़े में विग्रह कला बढ़ रहा है, टूटन बढ़ रही है। इतनी टूटन है, पारिवारिक टूटन काफी हो गया है, अब वो बढ़ते जा रहा है। पिता पुत्र का संबंध कट रहा है, तलाक का कानून तो बन ही गया है, तलाक भी खूब चल रहा है, विवाह विच्छेद, प्रेम विवाह जिसे कहते हैं, कहीं कहीं सफल होता है, नहीं तो प्रेम विवाह आगे चल करके नरक विवाह होता है। जवानी के उन्माद में कहीं भी राग रंग लगा और विवाह झटपट कर लिए, चट मंगनी पट बिया, और पीछे मन नहीं मिला, बस खटपट मुकदमा, और जो नरक होता है हद है। ये ऐश्वर्य बढ़ रहा है, चमक दमक बढ़ रही है, उसी में मन डूबा है, इसलिए जीवन की बर्बादी बढ़ रही है। और इन सब के कुसंस्कार चित्त को निरंतर चलाते हैं। जब आप अकेले में बैठे हैं तो चित्त में द्वंद्व ना हो। आदमी जब काम में होता है, कोई काम करता है तो काम में मन लगा रहता है, तो मन ज़्यादा परेशान नहीं करता है। जब चुपचाप बैठता है तब मन परेशान करता है। और अगर मन की कमाई अच्छी नहीं है तो प्रतिक्रियाओं से भरा मन केवल दुख पैदा करेगा। स्मरणों को शांत करना, विचारों का गर्दा गुब्बार शांत करना, जो मन में हलचल चल रही है, इसकी बड़ी आवश्यकता है। कर्मों से होता है, जो हम कर्म करते हैं वैसे मन बनता है, जैसे मन बनता है वैसे स्मरण आते हैं। अवस्मरण जीव को परेशान करते हैं, जो ख्याल में नहीं आना चाहिए वही घूम घूम के आ रहा है। और मन के बिगड़ाव स्थित होने से सपने भी खराब होते हैं,
स्वस्थ मन का लक्षण है गलत बातें भूल जाए, अच्छी बातें रहें लेकिन वो भी कोई विवश न करें, सपने सहज हो। सपने तो होते हैं सबको, कृतार्थ आत्मा पुरुष को भी सपने होते हैं, क्योंकि देह है तो देह में तीनों अवस्थाएं सबको होती हैं। लेकिन जितना मन शुद्ध होता जाता है सपना भी शुद्ध होता जाता है, सरल सहज। और ऐसे सपने हो जाते हैं कि बहुत हल्के, और जागने पर करीब करीब भूल जाते हैं, कोई कोई थोड़ा मोड़ा याद रहा नहीं भूल जाता है। तो सपने से भी कोई द्वंद्व नहीं रहता है, जागृत का ही प्रतिबिंब है सपना, सपना कोई स्वतंत्र नहीं है, जागृत का प्रतिबिंब है। मन को मांझने का काम करो। हीरा जब खदान से निकलता है अगर 10,000 दाम है तो तराशने पर 1,00,000 हो जाता है, 10 गुना दाम बढ़ता है तराशने पर। हमारा जीवन हीरा है और यह उत्पन्न हुआ है, इसको तराशो। तराशना तो दूर और बिगाड़ा जाता है। बच्चा कहीं तंबाकू खाते पैदा होता है, बड़े हुए हाथ में पैसे आए तंबाकू खाना शुरू, बीड़ी पीना शुरू, शराब पीना शुरू, सिगरेट पीना शुरू, गंदी गंदी चीज़ें खा रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों में जब विश्वविद्यालय में चिलम चलने लगा है तो क्या कहा जाए। विश्वविद्यालय के लड़के चिलम पीते हैं, और वो भी आजकल के तेज नशा, देखो अनर्थ सब। जीवन को जीने वाले बहुत कम हैं, सही नहीं जी पाते हैं, घसीट घसीट करके जीते हैं, ना ऐसी संगत करते हैं, ना ऐसा साहित्य पढ़ते हैं, ना ऐसा विचार करते हैं। देखते हैं कि पास वाले के पास गाड़ी है, भवन है, ये है वो है, हमारे भी हो जाए तो जायज नाजायज जैसे बने यही काम करना, दिमाग और खराब करते हैं। जब तक तुलना नहीं छोड़ोगे तब तक सही स्थिति में नहीं आओगे। किसी की तुलना न करो, आपका अपना है वो बहुत है, दूसरे की तुलना ही मत करो, जो अपने पास है बहुत है, उसका उपयोग करो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, खुश रहो, अपने को संभालो। जिसका हमें गर्व है आजकल में कुछ नहीं रहेगा, देखते देखते बिनस जाएगा, जो अंजलि का पानी रे, अंजलि का पानी देखते देखते खिसक जाता है, ऐसे जीवन समाप्त हो जाएगा। काल अलाजा मारिया आज मसाना दीठ, जिसने कल एक वीर को मारा आज स्वयं शमशान में लेटा है। इस स्थिति को समझें, अपने को संभालें, फूंक फूंक करके कदम रखना चाहिए, बुजुर्ग लोग कहते थे। बुजुर्ग लोग बच्चों को, जो समझदार बुजुर्ग होते थे, बताते थे बेटा फूंक फूंक करके कदम रखो। तो फूंक फूंक करके कदम रखने मतलब क्या है, सोच विचार करके कुछ बोलो, करो, काम करो, बिना सोचे विचारे भग भग मत बोलो, अनियंत्रित काम न करो। जो कुछ हम जोश में तो कर लेते हैं उसका परिणाम हमारे मन पर उतरता है। एक आदमी ने मुझसे कहा था, उसने हत्या कर दी थी, तो कहा महाराज मैंने तो उसकी एक बार हत्या की, वो मेरी रात दिन हत्या करता है, वो हत्या का संस्कार उसके चित्त पर चढ़ा रहा है, तो उसको लगे कि जिसकी मैंने हत्या की वो मुझे रोज मारने आता है। लोग कहते हैं क्या पाप पुण्य, लोग पाप करते हैं और खुश रहते हैं, खुश मानते हैं कि वो चमकते हुए कपड़े पहने हैं, गाड़ी में चलते हैं, मकान है, खुश कहाँ रहेंगे, पाप करके कोई खुश रहेगा, गलत काम करके कोई प्रसन्न नहीं रह सकता। खाओ पियो मौज करो, प्राय लोग कहते खाओ पियो मौज करो, खाना पीना सरल है, मौज करना सरल नहीं है। अब मौज थोड़ा
ना सिनेमा में टीवी में ही सही, या चार मित्र बैठ करके हंसी दिल्लगी किए, इसको मौज मान लिए, ये मौज नहीं है। मौज है चित्त की शांत, पूरी प्रसन्नता, पूरी प्रसन्नता जिसमें अप्रसन्नता ना आए, सब समय मन का आनंदित रहना, ये मौज है। खाओ पियो मौज करो, खाना पीना सरल है, मौज करना सरल नहीं। मौज करने का रास्ता भोग विलास नहीं है, मौज करने का रास्ता संयम है। जब संयम होगा तब असली मौज होगा। जो निरंतर की प्रसन्नता है वो तब संभव है। तो मन की स्मृतियाँ दिमाग को खराब करती हैं, खराब स्वप्न होते हैं, ये सब मन के विकार हैं। स्वप्न की तो चिंता छोड़ दो, स्वप्न पर ध्यान ही न दो। कितने लोग तो जब जागते हैं तो इतने विदेशी सपन का वर्णन करते हैं कि मालूम होता है कि सब यथार्थ घटना घटी, और घंटा घंटा बताते हैं ये देखा वो देखा वो देखा। सपने में करोड़ों रुपया पाए और जब नींद खुली तो कौड़ी भी बिस्तर पर नहीं है। ऐसे सपने की चर्चा करनी चाहिए। सपने के लिए दुर्लक्ष हो जाओ, सोचो ही मत, जागृत को ठीक करो। जो बीत गया वो बीत गया, वो तो लौटेगा नहीं, जो है उसको संभालो, मरी हुई बात न सोचो। वर्तमान में अपने को ठीक करो, अपनी इंद्रियों पर संयम जितना बन सके करो, खान पान में संयम रखो, नशा की कोई चीज न लो, अंडा मांस मछली कभी न छुओ, और नशा की कोई चीज़ न छुओ। शराब कितनी बढ़ गई है, गली गली चलते चलते ठंडी बियर, अंग्रेजी शराब की दुकान, देसी शराब की दुकान। आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है। बड़ा बढ़िया बढ़िया आकर्षक शब्द, कहीं तो चित्र में पोस्टर में सिगरेट पी करके एक नौजवान मस्त लिखा रहा है कि देखो सिगरेट में कितना आनंद है, तो पतले में नीचे लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। ये तो सरकारी संविधान से है, नहीं तो वो भी ना लिखते। जो मौज शौक की बात है वो चित्र द्वारा, वो बड़े अक्षरों द्वारा बताया जाता है, और सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर वो पतला सा लिख दिया जाता है। वैसे मोटा भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीने वाले जो जो आगर हैं, पीने वाले क्या जानते नहीं हैं। लेकिन ये दुनिया ही मैखाना है, इस मैकदे में काम नहीं होशियार का। ये दुनिया पूरा मदिरालय है, होशियार का यहाँ काम नहीं है। इसलिए साहेब ने कहा है, बाबू ऐसो है संसार तिहारो, यह कली व्यवहारो, को अब अनुकसाहत पर दिन को नाहिन रहन ही मारो। साहेब कहते हैं भैया तुम्हारा संसार ऐसा है, ये मेरे रहने लायक नहीं। काशी के एक पंडित ने बड़ा बढ़िया लिखा था एक लेख, कबीर क्यों आ गया यहाँ, कबीर लायक ये दुनिया नहीं। कबीर आया इस दुनिया में और काशी में आया और देख करके सब घबरा गया कि कहाँ मैं आ गया इन पागलों के बीच में। बड़ा बढ़िया लिखा था, आकर्षक, साहित्यिक शक्ति भी उसकी अद्भुत थी, और कबीर साहब को दुलार करके श्रद्धा से इतना बढ़िया लिखा था। कबीर क्यों आ गया इन पागलों के बीच में, कबीर क्यों आ गया। कबीर एक था जो पागल नहीं था, और सब दुनिया पागल है। इसमें आ करके वो घबरा गया, इसलिए उसने जो वाणी कही है वो आंखें खोलने वाली है। कबीर साहब ऐसे संत हुए हैं जो धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, महावैज्ञानिक हैं, महातार्किक हैं। धर्म में इतना तर्क करने वाला दूसरा कहीं दिखाई नहीं देता। आंशिक तर्क तो सब में थोड़ा मोड़ा, लेकिन ना आमूल चूल तर्क, इतना जोर से हिला देने वाला, जो तो बाभन बभनिक जाए और राधे काहे ना आया, जो तो ब्राह्मण और ब्राह्मणिक पैदा किया हुआ है, दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आ गए। कितना हिकारत पूर्वक कहते हैं ब्राह्मणों को, तुम ब्राह्मण हो तो दूसरे रास्ते से पैदा हो जाते हो तो मान लेता ब्राह्मण हो, एक ही रास्ते से तो आए हो, कैसे ब्राह्मण हो।
और केछिए लेत हो छींचा तुमसे कहो कौन है नीचा, और छू लेता है तो पानी छिड़कते हो ओम पवित्र पवित्र वा मंत्र पढ़ते हो तुमसे कौन नीचे। इतना ललकार करके किसने कहा। कबीर में साहस था इसलिए उन्होंने कहा डर की बात कोई नहीं, सत्य कहना है तो सत्य में रहना है। तो कबीर ने ललकार करके कहा। बात यहां ये चल रही थी कि हमने अपने मन में कबाड़ भर रखा है, ये कबाड़ को साफ करो, जो बीत गया तो लौटेगा नहीं। आपने क्या क्या गलतियां की हैं स्मृति से हटा दो, कैसे खाया पिया रहा बसाओ क्या क्या किया वो सब छोड़ दो, आज से अपने को ठीक करो, सब बातों में ठीक करो। जाने का समय बिल्कुल आ रहा, इसमें जवान बूढ़ा कोई मत सोचे कि हम तो जवान हैं। अभी अभी एक बच्चे ने बताया 35 वर्ष का लड़का इसी गांव का हार्ट अटैक हुआ और मर गया, 35 वर्ष का जवान। तो ये कि अभी तो मैं जवान हूँ कुछ पता नहीं, मकान पुल इंजन मशीन के विषय में इंजीनियर बता सकता है कि इतने दिन तक चल सकता है, लेकिन स्वस्थ सुंदर शरीर को भी कोई डॉक्टर नहीं कह सकता है कब तक चल सकता है। इसलिए सब समय अपने शरीर की आखिरत समझना चाहिए और साधना में डट पड़ना चाहिए। जो कुछ भूल चूक हुई भूल जाओ, आज से शुद्ध करो अपने को, नया जन्म है, अपने को नया जन्म में मानो, आज नया जन्म है। सारा अहंकार छोड़ दो, अहंकार छोड़े बिना यह काम नहीं होगा। सारा संसार अहंकार में जल रहा, हम आप सब अपने अपने अहंकार को देखो, सारे दुखों का कारण अहंकार है। सादा हो सरल हो कम में गुजर करने की चेष्टा करो, भोगों की लालसा न रखो, ऐश्वर्य की लालसा न रखो, ऐश्वर्य से हटने की चेष्टा करो, सादे में रहने की चेष्टा करो, कम में गुजर करने की चेष्टा करो। पाप तभी घटेगा जब आदमी सादा रहेगा, सरल रहेगा, निर्माणी रहेगा, निष्कामी रहेगा, तब वो कल्याण का काम कर सकेगा। मन को साफ करो, इसके लिए सुबह शाम अकेले में बैठो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, चिंतन करो, ध्यान करो, सेवा भक्ति में मन लगाओ, माँ बाप की सेवा, गुरुजनों की सेवा, संतों की सेवा, अनाथ की सेवा, जहाँ तक बन सके अपने से सेवा भावी रहो, सेवा से चित्त शुद्ध होगा, स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ेगा, चिंतन से मोह टूटेगा। चिंतन का अर्थ है वास्तविकता की को सोचना। शरीर नश्वर है, सारा संबंध क्षणिक है, जीव के साथ कुछ नहीं, जीव नंगा है, अकेला है, असंग है, यह परम सत्यता है। जो कुछ आज हमने बहुत सच मान रखा हो 16 अंत में झूठ सिद्ध हो जाएगा। राम नाम सत्य है तब पता लगता है जब लाश निकलती, तब सुनाते हैं उसको लोग राम नाम सत्य, वो सुन नहीं सकता है, वो अपने नहीं कहते हैं, मानो मुर्दे कहते कि राम नाम सत्य देखो तुम झूठ हो गए। अपने के लिए कहें तो जागे, तो मुर्दा क्या जागेगा। तो मरने पर पता लगता, कोई मरता तब पता लगता ऐसे मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर भूल जाता है। सारी उपलब्धियां अंत में 2 कौड़ी की नहीं है, और अगर मन पवित्र है तो धन्य हो गया, वही पूंजी आज और आगे काम देगी। इसलिए अपने मन को निर्मल बनाओ, अपने मन की सफाई करो। परमात्मा और मोक्ष पाने की चीज नहीं है, वो पहले से प्राप्त है, वो आपका अस्तित्व है, आपका होना है परमात्मा, आपका होना है मोक्ष और परमपद। परमपद मोक्ष परमात्मा आपकी आत्मा से कहीं अलग मिलने वाला नहीं, इसलिए उसको मिलने की के चक्कर में ना पड़ो, कूड़ा कबाड़ साफ करो। कूड़ा कबाड़ साफ कर दोगे तो वही रह जाएगा। जैसे एक हीरा पड़ा हो,
रास्ते में धूल लिट्टी हो और वो बेकार की चीज लगे, लेकिन परखने वाला ने उठा लिया, धो दिया, साफ कर दिया, मांझ दिया तो हीरा चमक गया। वैसे है आपका आत्मा हीरा है, विषय वासना और सांसारिक प्रपंच में लिपटा है, बस उसी को धो देना है, फिर अपने आप दिव्य हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा, स्मरण ठीक हो जाएगा, जो गलत गलत स्मृतियां मन में आती हैं वो सब धुल जाएंगी। परिश्रम का परिणाम यहाँ तक हो जाता है कि मन पूरा निर्मल हो जाता है, सुबह से शाम तक निर्मल, जब चाहे तो मन बिल्कुल निर्विकल्प, निर्मल और निर्विकल्प दो स्थित है। निर्मल रहना, खाते पीते बोलते चालते हंसते काम करते, मन में कोई मैल नहीं है, और निसंकल्प होना, निर्विकल्प होना, कुछ न सोचना, कुछ न सोचना उच्चतम स्थित है, शांत। ये शक्ति आ जाती है साधक में, जब चाहता वो शांत, कुछ नहीं सोचता है। लेकिन जब पूरी निर्मलता चित्त में आएगी तब ये दशा आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अभी तो ये काम करना है कि चित्त को निर्मल करो, फिर ध्यान का भी अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा ध्यान करो, आंखें बंद करो, बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी मन को रोको, सांस चलती है अपने आप, सांस पर मन टिकाओ, ख्याल सांस का रखो और कुछ न रखो, उसी पर मन टिकाओ, कहीं अपने मन को रोको, ये अभ्यास करो। आगे साक्षी भाव है, संकल्पों का त्याग, जो संकल्प आए उनको छोड़ते जाओ, उनमें मिलो ना। ऐसा करते करते निर्विकल्प अवस्था भी आती है, कोई करेगा तब पाएगा। अखाड़े का लतमरुआ पहलवान होता है, ये अवध क्षेत्र में कहावत है, अखाड़े का लतमरुआ पहलवान होता है। कोई नवयुवक जाता है पहलवानों के पास, गुरुजी हम भी सीखेंगे, तो उसकी देह दशा जब देखता है पहलवान तो कहता है योग्य हो तुम, आओ, तो सिखाता है। तो अखाड़े का लतमरुआ जो अखाड़े में है, अपने गुरु का लात साता है रात दिन, वही एक दिन पहलवान हो जाता है। साधना करोगे, साधना करते करते कृतार्थ हो जाओगे, बादशाह हो जाओगे, परमात्मा खुद हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो आप ही में है, वो बाहर नहीं। परमानंद, परम सुख, निर्वाण, कल्याण, कैवल्य, अद्वैत स्थित, ब्राह्मी स्थित, स्वरूप स्थित, पारक स्थित, इन सारे शब्दों की चरितार्थता आत्मबोध और आत्मशुद्धि में है। अपने आप का ठीक से बोध हो और चित्त की शुद्धि हो जाए तो ये अपने आप आ जाएगी। ये काम करो, जो बीत गया उसकी चिंता न करो। कितने लोग कहते महाराज क्या कहें, 30 वर्ष के पहले आप मिले होते, अरे भाई तो हमारा क्या दोष है, मैं कहाँ जानता था आप कहाँ बैठे हो, चल के मिल लो। अब वर्तमान है उसका उपयोग नहीं करते हो, जिनके लड़के नहीं वो सोचते लड़का हमारे पास होता तो हम इतना बढ़िया व्यवहार करते, और भाई है उससे व्यवहार नहीं करते, माता पिता उससे व्यवहार नहीं करते, तो जो है उसका उपयोग करो। लेकिन ये समझ लो अध्यात्म में मन धन है, व्यवहार में जन धन है, जन को साथियों को धन समझो और ऐसा व्यवहार को खुश रहें, आपके द्वारा उनको कष्ट ना हो। और अध्यात्म में साधना में मन धन है, मन अगर पवित्र है प्रसन्न है तो आप धनी हैं, और मन अगर दुखी है तो सब बेकार है। इसी पर मनन करें, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरुदेव की जय।